दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलर्स की नर्सरी कहा जाता था, अब यहाँ से फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं निकल रहे? वो कभी आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा तो इसको सोचें, क्योंकि ये बड़ा लम्बा फिक्री है कि हमारे पास फास्ट बॉलर की जो है ऑप्शन कितनी है, बेंच स्ट्रेंथ क्या है हमारी। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, तीन जो मेन इनके हमारे बॉलर हैं, क्या इनकी बैक पे हमारे पास कुछ है? तो जरा सोचें, आप सोचें और मैं आपको एक बात शेयर करता हूं कि श्रीलंका प्रीमियर लीग जो है वो शुरू हो गई है। फिर मैं आपको वीडियो में आगे जाके जरा कंपैरिजन भी करूंगा कि हमारे हमसाय मुल्क में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। श्रीलंका प्रीमियर लीग जो है वो शुरू हो गई है। वहां पर कैंडी फॉल्कन्स जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, उसका मैच हुआ डांबोला सिक्सर्स के साथ। कैंडी फॉल्कन्स में हमारे फास्ट बॉलर मोहम्मद हुसनैन जो है थे वो इन एक्शन थे। हसनैन की परफॉर्मेंस इंतहाई मायूसकुन रही पहले मैच में। उनके जरा मैं आपको स्टैट्स जो है वो बता देता हूँ जो मैच में, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है और क्यों हुआ ऐसा। 4 ओवर्स में हसनैन को 53 रन पड़े और सिर्फ एक विकेट उन्होंने हासिल की, कुशाल पेरेरा को उन्होंने आउट किया। अब मोहम्मद हसनैन के जो 4 ओवर्स है उसको मैं आपको एलैबोरेट करके बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे बॉलर्स के साथ मसले मसाइल क्या है। हम जो यहाँ पे रोते हैं ना कि हमारे कोचिज ये हैं, तो हमारे कोचिज भाई ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स ने परफॉर्म करना होता है। कोच ने आपको ये नहीं बताना कि ग्राउंड के अंदर आपने नो बॉल नहीं करनी। हसनैन जिनका शुरू दिन से ही नो बॉल का लाइन लेंथ उनकी कंटिन्यूस नहीं होती, कंटिन्यूटी का उनका बड़ा, कंसिस्टेंसी का उनका बड़ा मसला है। यहाँ पे भी उनका पहले मैच में यही चीज सामने आई है। 4 ओवर्स में उनको 53 रन पड़े हैं और एक विकेट हासिल की है। 7 बीच में डॉट बॉल्स किए हैं, सिर्फ 7। 4 5 उनको चौके पड़े हैं, 2 छक्के लगे हैं। अब उन्होंने किस किस ओवर में क्या क्या गंद किया, माजरत के साथ मैं गंद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी बहुत ही अजीब किस्म की परफॉर्मेंस थी। उनको पहला ओवर मिला मैच के चौथे ओवर, मतलब मैच का चौथा ओवर था और हसनैन का पहला ओवर था। उस वक्त स्कोर था 17-17, स्कोर पे 2 खिलाड़ी आउट थे डैम्बोला सिक्सर्स के। पहली बॉल हसनैन ने कराई और वाइड बॉल हो गई, दूसरी बॉल पे उन्होंने आउट कर दिया। अब ये पहली बॉल वाइड बॉल याद रखिएगा कि हसनैन का पहली बॉल स्टार्ट ही जो है वो एक्स्ट्रा के साथ हुआ था। पहली बॉल उन्होंने वाइड कराई, फिर उसी आवर की चौथी बॉल एक और वाइड करवाई, 5वीं बॉल पर उनको चौका लगा। एक आवर में कितने एक्स्ट्रा हो गए? 2 एक्स्ट्रा हो गए। अब उनके दूसरे आवर में आते हैं, हसनैन का दूसरा आवर और उस इनिंग्स का छठा आवर, यानी कि पावर प्ले का आखिरी आवर। दूसरी गेंद हसनैन ने नो बॉल करवाई और नो बॉल पे उनको अगली गेंद पे चौका पड़ गया, उधर भी उन्होंने एक्स्ट्रा दिया। अब उसके बाद हसनैन का तीसरा आवर आता है मैच के 13वें आवर में, उसमें पहली बॉल पे आती है वाइट, चौथी बॉल पे आती है नो बॉल और उसके बाद जो है छक्का पड़ जाता है। तीसरे में भी जो है वो 2 एक्स्ट्रा आ गए। अब चौथे मैच, चौथे आवर में, यानी कि हसनैन का चौथा आवर और इनिंग्स का 19वां आवर, यानी कि सेकेंड लास्ट ओवर, उसमें हसनैन को पहली गेंद पे चौका पड़ता है, दूसरी गेंद पे छक्का पड़ता है और 5वीं गेंद वो नो बॉल करवाते हैं और अगली बॉल पे उनको चौका पड़ जाता है। इसमें भी उनका एक एक्स्ट्रा बॉल और एक्स्ट्रा रन और जो इनकंसिस्टेंसी उनकी बॉलिंग में है वो चौथे ओवर में भी नजर आई। 3 वाइटें, 3 नो बॉलें करवाई उन्होंने 4 ओवर में, मतलब 24 गेंदे उन्होंने ऑफिशियल करवानी थी जिसमें से उन्होंने 6 गेंदे एक्स्ट्रा करवाई और उनका स्कोर भी अच्छा खासा, तकरीबन 15 से 20 रन पड़े उन एक्स्ट्रा गेंदों पर। तो ये हसनैन का आज का मसला नहीं है, ये हसनैन का बड़ी देर का मसला है कि उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, वो मुसलसल एक जगह पे अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकते। टू यंग है, उनका अभी करियर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो अपने करियर के खुद दुश्मन बने हुए हैं, वो अपने क्रिकेट के खुद दुश्मन बने हुए हैं कि ग्राउंड के अंदर नो बॉल वाइट बॉल करवाने से आपको कोच ने नहीं रोकना, ये आपका अपना काम है, आपने खुद देखना है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, उसको अंडरस्टैंड करते हुए उस अब अच्छी चीज को इंप्लीमेंट करना है। अब मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद हसनैन कितने में लिया था भी ये कैंडी फॉल्कन्स ने उनको, जो श्रीलंका प्रीमियर लीग की टीम है डिफेंडिंग चैंपियन। तो जनाब $30,000 में जो है मोहम्मद हसनैन को लिया था। ये दूसरे पाकिस्तानी, महंगे तरीन पाकिस्तानी थे जिनको LPL की ऑक्शन में कैंडी फॉल्कन्स ने लिया था $30,000 में। $50,000 और $50,000 इन दोनों को मोहम्मद इफ्तिखार अहमद और आजम खान, ये दोनों जो है $50,000-$50,000 में सेल हुए थे ऑक्शन में, जो है इनको लिया गया था इनकी टीम्स ने। दूसरे नंबर पर ये आते हैं
मोहम्मद हसनैन, जो $30,000 यानी कि पाकिस्तान के ये बनते हैं 83 लाख रुपीज। कि अगर आप हमारे बेंच स्ट्रेंथ पे जब देखते हैं तो हमारे बेंच स्ट्रेंथ पे क्या है, हमारे बेंच स्ट्रेंथ पे ये है। आप कमेंट सेक्शन में जरा एक मिनट के अंदर आपने मुझे 5 फास्ट बॉलर्स के नाम बताने हैं जो आपको लगता है पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं। सर आप कभी भी नहीं बता सकेंगे दोस्तों, आप कभी भी नहीं बता सकेंगे। आपका मोहम्मद हसनैन जो T20 सर्किट में आने के लिए तैयार बैठा है और आप उसको कहते हैं कि हमारे T20 सर्किट का जो है वो रिप्लेसमेंट हो सकता है, ये हमारे प्लान का हिस्सा है, लेकिन माजरत के साथ वो प्लान का हिस्सा नहीं बन सकते। 4 ओवर में 53 स्कोर और इतनी इनकंसिस्टेंसी, मतलब गैर तसलसल के साथ बॉलिंग करवाना, हर ओवर में वाइड बॉल नो बॉल करवाना, कब सीखेंगे ये? हसनैन साहब बड़ी देर से क्रिकेट खेल रहे हैं, 2019 में इन्होंने डेब्यू किया था और आखिरी बार 2022 में पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं। अगर ये अच्छे होते ना, मैं देखें अच्छा होने में अनस्किलफुल होने में मैं दो चीजों में डिफरेंट आपको बता दूं, स्किलफुल बॉलर हैं लेकिन ये अपनी स्किल्स को यूज नहीं करते। अगर ये इतने अच्छे बॉलर होते तो आज पाकिस्तान की टीम में होते, जितने इनको चांस मिले इनके पास अच्छा चांस था कि ये पाकिस्तान टीम में आ सकते थे। शाहीन अफरीदी की जगह या हारिस रोफ की जगह, नसीम शाह की जगह, ये आपके चौथे पेसर बन सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट इन्होंने अपने आप को नहीं मनवाया, इन्होंने अपने आप को वैसा जो है डेवलप नहीं किया जिस तरह का इनको करना चाहिए था। वेयर एज अगर आप इंडिया की क्रिकेट को देखें जो हमारा हमसाय मुल्क है, फिर हम कहते हैं कि हम इंडिया की मिसालें क्यों देते हैं, तो इंडिया की मिसाल देना बड़ा जरूरी है। तो जनाब 6 जुलाई से जो इंडिया की सीरीज हो रही है ना बांग्लादेश के लिए, उसके जरा मैं आपको फास्ट बॉलर्स के नाम बता दूं तो आपके होश उड़ जाएंगे। अवेश खान, तुषार देश पांडे, उसके अलावा खलील अहमद है और उसके अलावा जो है वो मुकेश कुमार, 4 वो फास्ट बॉलर हैं जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा तो दूर की बात रिजर्व में भी नहीं थे और ये चारों आईपीएल के टॉप परफॉर्मर्स रह चुके हैं। वो कहाँ पे जा रहे हैं और हम कहाँ पे जा रहे हैं? हमें ऐसे प्लेयर्स को वापस लाना पड़ रहा है जो रिटायरमेंट दे चुके हैं और वहां की सीरीज देखने क्या है। ये हसनैन जैसे कई बॉलर्स मार्केट में फिर रहे हैं। शाहनवाज धानी को देखने, वो अप टू द मार्क नहीं है, जब भी उनको मौका मिला वो परफॉर्म नहीं कर सके। मीर हमजा अभी वाइट बॉल सर्किट पे नहीं आए, टेस्ट मैच खेल रहे हैं। मोहम्मद अली एक वाहिद नाम है जो PSL की इजाद है और उनको कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट का, वनडे फॉर्मेट का और टेस्ट फॉर्मेट का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अभी तक वो बने नहीं है। तो ये हमारा बेंच स्ट्रेंथ है, ये इंडिया का बेंच स्ट्रेंथ है, दोनों आपके सामने है। और यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी देख लें, 2019 से एक लड़का खेल रहा है जिसको PSL में मार पड़ती है, पाकिस्तान के जब वो तरफ से खेलता है वहां पे मार पड़ती है और पूरी दुनिया को पता है कि हसनैन एक छक्का, उनको एक छक्का अगर पड़ जाए तो दूसरा छक्का वो खुद खा लेते हैं, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि क्या करना है। फिर वो एक्स्ट्रास जिस तरह मैंने अभी आपसे शेयर किए, इतने एक्स्ट्रास तो वो जो है ना वो वैसे ही खा जाते हैं, मतलब 3 वाइटें 3 नोबलें। तो बड़े अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी क्रिकेट के लिए। जो हम कहते हैं ना कि हमारी क्रिकेट डाउनफॉल क्यों हो रही है, ये वजह है कि हमारे जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कुछ है नहीं, हमने कुछ तैयार नहीं किया 4-5 सालों में, हमने सिर्फ रिलाई किया शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, इन पे रिलाई किया। मोहम्मद आमिर तो अब आए हैं, हमने कोई बैकअप तैयार ही नहीं किया कि जिसपे हम जो है वो प्राउड फील कर सकें। तो पाकिस्तान जिसको फास्ट बॉलर्स की नर्सरी कहा जाता था, अनफॉर्चुनेटली अब फास्ट बॉलर की नर्सरी नहीं है। हाँ, इंडिया को अगर आप कह दें कि वो फास्ट बॉलर की नर्सरी बन रहा है तो ये कहना गलत ना होगा। आपको मैंने अभी नाम शेयर किए हैं, इसके अलावा भी बड़े नाम हैं। मोहम्मद सिराज जो उनके टॉप फास्ट बॉलर हैं, वो वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं बना पा रहे। और हमारे यहाँ क्या है कि अर्शदीप सिंह अगर हमारे पास होता तो वो इस वक्त बेंच गर्म कर रहा होता। हसनैन के मामले पे मैंने आपको बता दिया है कि क्या इनकंसिस्टेंसी है। ये हमारी हसनैन की जो परफॉर्मेंस थी, ये हमारी क्रिकेट को डिफाइन करती है। तो दोस्तों आप बताइए कमेंट सेक्शन में, हमारी क्रिकेट जो है वो कहां तक पहुंच सकती है, ये कितना डाउनफॉल और नीचे जाएगी, कितना नीचे जाएगी, कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। और हमारे फास्ट बॉलर क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहे, क्या यही वजह है जो हसनैन वाली वजह है या कुछ और, कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। तो आज के वीडियो के साथ इसी बात की आपसे इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।